नमस्कार दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया गया था, जिसमें बिलासपुर दिनांक 20/9/2020 को सेमेस्टर एग्जाम के लिए यह अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा बिलासपुर के सत्र 19/20 की पीजी सेमेस्टर एवं एमएड तथा विधि संकाय की सेमेस्टर एग्जाम 2020 के अंतिम स्थायी समय सारिणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bilaspuriuniversity.ac.in पर जारी कर दी गई है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय की एवं परीक्षार्थियों के सूचित किया जाता है कि समय सारिणी का अवलोकन भली भांति कर लेवे। इसमें आप लोग का दोस्तों परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र दिनांक 22/9/2020 से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों परीक्षार्थी क्वेरी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने तथा लिखित उत्तर पुस्तिका को डाक के द्वारा महाविद्यालय को प्रेषित करने के संबंध में विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bilaspuriuniversity.ac.in पर जाकर पत्र क्रमांक 15/68/18/9/2020 तथा पत्र क्रमांक 15/27/18/9/2020 का रूप से अवलोकन कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों जो पूर्व में जारी किया गया था एग्जाम से संबंधित दिशा निर्देश, किस प्रकार से उत्तर पुस्तिका मिलना है, किस प्रकार से आपको अपने उत्तर पुस्तिका को भेजना है एक लिफाफे में बंद करके लिख करके एग्जाम समाप्ति के 5 दिवस के पूर्व, वो सभी नियम दोस्तों सेम रहेगा। उसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तित नहीं किया गया सेमेस्टर एग्जाम के लिए, जिसमें तीसरे पर पीजी जो है तृतीय सेमेस्टर विशेष एटी के टी की परीक्षा की तिथि पृथक से घोषित किया जाएगा, जिसकी संभावित तिथि 8/9/8/10/2020 है। तो दोस्तों जो विशेष एटी के टी पी जी तिथि सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उसका एग्ज़ाम जो है संभावित तिथि 8/10/2020 है। अब देखते हैं जिसमें एग्ज़ाम दो शिफ्ट में बटा हुआ है। पहला शिफ्ट 7 से 10 बजे तक रहेगा फाइनल ईयर के लिए, और सेकेंड शिफ्ट रहेगा 3 से शाम के 6 बजे तक, जिसमें LLB पार्ट 3 जो है सेकेंड सेमेस्टर रेगुलर ATKT-X, इसमें LLB से जो है पार्ट 2 सेकेंड सेमेस्टर ATKT-X। इस प्रकार से उसमें BA LLB के लिए भी X10 सेमेस्टर रेगुलर ATKT-X, इसी प्रकार BCom LLB के लिए सेकेंड सेमेस्टर ATKT के लिए इस प्रकार से, फिर LLM इन के लिए दोस्तों जो है 4 सेमेस्टर रेगुलर एंड एक्स के लिए, LLM 2 के लिए सेमेस्टर X 2 के लिए है, फिर MED जो है 4th सेमेस्टर के लिए न्यू एंड ओल्ड कोर्स के लिए, BA LLB के लिए ATKT BA LLB 4th सेमेस्टर, और 6th सेमेस्टर ATKT-X रेगुलर BA LLB जो है 8th सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम। इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, पाली के हिसाब से डिवाइड कर दिए गए हैं। इसका आप जो है भली भांति अवलोकन कर ले और अपना टाइम टेबल का निर्माण कर ले। जो पूर्व में जारी किया गया था दिशा निर्देश एग्ज़ाम को लेकर के किस प्रकार से उत्तर पुस्तिका प्राप्त करना है और किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से लिफाफे में भर करके अपने महाविद्यालय को भेज देना है, इस बार वही दिशा निर्देश सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी है। तो यह टोटल 30 पेज में आपको सभी के एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जिसमें PG 4th सेमेस्टर रेगुलर और ATKT के लिए जो है इस प्रकार से ATKT के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया। एग्ज़ाम जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय सेमेस्टर एग्ज़ाम LLB सेमेस्टर एग्जामिन के लिए यह 30/9/2020 मतलब 30 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा सभी का एग्ज़ाम। इसमें प्रश्न पत्रों के क्रम परीक्षा आयोजन की दृष्टि में रखते हुए विश्वविद्यालय के जो है सुविधा के अनुसार रहेगा, जिसमें परीक्षा सत्र 19/20 के लिए लागू पाठ्यक्रम परीक्षा योजना के अनुसार ही तैयार किया जाएगा। इसमें परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के पश्चात जो है कि अगर शासन प्रशासन या अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षा जो है आयोजित किया जाएगा, अगर छुट्टी भी होता है फिर भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इस प्रकार जो सभी के लिए जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम के टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, चाहे वो PG सेमेस्टर MA MSc MCom LLB MED, चाहे कोई भी PG अगर कोर्स कर रहे हैं तो आपका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। दोस्तों इसमें केवल एक ही का जो है टाइम टेबल संभावित है, जो आने वाले टाइम में इनका जो है टाइम टेबल जारी कर देगा। तो इस वीडियो को आपके सभी मित्र शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।